नवादा में पहली बरसात नहीं, नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रखती है। सदर अस्पताल का मुख्य पद से लेकर अस्पताल परिसर स्थित दवा काउंटर, एक्सरे रूम और कई वार्ड पानी में डूब चुके हैं और जिससे कि मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के कारण मरीज को स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद मरीज के बुजुर्ग पिता अपनी बेटी को कांधे पर उठाकर इधर उधर जांच और इलाज के लिए ले जाते हुए नजर आए। अस्पताल परिसर में नाली का निर्माण भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद समस्या जो है वो बरकरार है। बच्ची हमारी सीढ़ी से गिर गई थी, उसका पैर फ्रैक्चर कर गया। हम सदर अस्पताल में जाने के बाद 10 रुपये का टोकन कटाया इमरजेंसी में। हमको ना वहाँ कोई स्ट्रेचर मिला, ना कुछ किसी ने कुछ बताया। उस स्लिप को लेकर के मैं डॉक्टर के कक्ष में गया, उन्होंने एक्सरे लिख दिया और उसके बाद एक इंजेक्शन दिया। और एक्सरे के लिए जब मैं स्ट्रेचर खोजा तो स्ट्रेचर नहीं मिला, किसी ने कोई सपोर्ट भी नहीं किया। मैं अपनी बच्ची को कंधा पर लेकर के इसी पानी में, और मैं पानी में लेकर के चला आ रहा था। इससे बहुत परेशानी हो रहा है सर, सब रूम में हिल गया है पानी। अच्छा। रूम में हिल गया, बहुत आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अब पूरा डूब गया है ये सब, पूरा इधर भी उधर भी सब, टीवी वाला रूम में भी, सब में भी घुस गया है। अच्छा, हर एक रूम में पानी? हाँ, हर एक रूम में। लेकिन वहाँ ईटा लगाए हैं, उसमें वो रूम में हिल जाता है पूरा पानी एकदम। आपका क्या एक्सरे की मशीन पर भी कुछ प्रभाव इसका? पानी गिरेगा तो उसमें तो प्रभाव पड़ेगा। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, देखिए, पहली बरसात ने कहीं ना कहीं नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलकर रख दिया। सदर अस्पताल का मुख्य पद से लेकर अस्पताल परिसर स्थित कई जो काउंटर है, एक्सरे रूम हो गया या फिर वार्ड हो गए, सभी पानी में डूब चुके हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, नवादा की सदर अस्पताल जो है इस समय पूरी तरह झील में तब्दील हो गई है, और ये पहली बार इस तरह की देखने को घटना नहीं मिली है। जब भी बारिश होती है तो ये अस्पताल में जलजमाव का समस्या हो जाता है, और यह समस्या आम जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। देखिए, जो मरीज आते हैं वह स्वस्थ होने के लिए आते हैं, लेकिन उनको ये गंदे पानी में प्रवेश करके वो इलाज कराने आते हैं और इलाज कराते जाते हैं। ऐसे में यह बिल्कुल कह सकते थे मरीज के परिजन भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन नवादा के सदर अस्पताल में ये व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं किया जा रहा था। यह पानी की निकास कैसे हुई, इसके लिए कोई महत्वपूर्ण ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसके कारण यह आलम अक्सर देखने को मिलता है। जी अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि नवादा में पहली बरसात नहीं, नवादा में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलकर रखती। दरअसल सदर अस्पताल का आलम यह है कि अस्पताल परिसर स्थित दवा काउंटर, एक्सरे रूम और कई वार्ड पानी में डूब गए, जिससे कि मरीजों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अस्पताल की बात करें तो अस्पताल परिसर में नाली का निर्माण भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी समस्या बरकरार है।